दरभंगा के ऑडिटोरियम में सीपीआईएम का कन्वेंशन में पहुंचे कश्मीर के पूर्व विधायक डॉक्टर यूसुफ तारागामी। दरभंगा के सिंहवाड़ा के जिला परिषद पर शराब माफियाओं का हमला, डीएमसीएच में गंभीर रूप से भर्ती। समस्तीपुर के रोसड़ा में महासिंघिया के पास ट्रक टकराई बाइक से, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा पतोर थाना के चंदनपट्टी में आपसी विवाद में मारपीट कर 5 को किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा धरना स्थल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ महाधरना। दरभंगा डीएमसीएच ऑडिटोरियम में 98 स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन। राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लेने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय की टीम हुई राजस्थान के लिए रवाना। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम के गेट के बाहर से मोटरसाइकिल हुई चोरी, थाने में दिया गया आवेदन। मिथिला हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर AIMIM के कार्यकर्ताओं ने नाका नंबर 5 से लेकर दरभंगा टावर तक निकाला प्रतिवाद मार्च। दरभंगा के केवटी में घटी बड़ी घटना, दुर्घटना में मृतक का शव पहुंचते ही शोकाकुल हुआ केवटी। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा आज राज्य स्तरीय कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीर से पूर्व विधायक यूसुफ तारागामी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी देश में जो हालात है वो काफी खतरनाक है और इसे बचने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग भी बना, वो जो हमारा पंजाब है, मेरे भाई आज दांव पर है। ये जो आपने कहा आज दांव पर है, मुझे मालूम नहीं कि मेरी भाषा शायद मेरा साथ दे कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। वर्सेस स्टेट उठी, आज ये नहीं कि किसी का पद है, किसी की कुर्सी है या नहीं है, कुर्सियां आती है कुर्सियां जाती है, लेकिन वो जो अधिकार है किसी को कुर्सी देने का, किसी से कुर्सी छीनने का, भारतवासियों से मेरी अपील है आज वो अधिकार भी खतरे में पड़ा है। दरभंगा के सिंहवाड़ा के जिला परिषद रंजना कुमारी जब महिलाओं के शिकायत के बाद वो जांच करने पहुंची थी तो वहां शराब माफिया जो बड़े पहले से ही शराब का कारोबार करता था उसने अचानक 4-5 लोगों के साथ हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई, डीएमसीएच में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। क्या चीज़ से हमला किया गया आप पे? वो कट्टा था उसके हाथ में, पीछे कट्टा तो मुझे दिखा था और पीछे कुछ और खास क्या बातें हुआ था वो नहीं दिखा हमको, लेकिन कट्टा से जो हमला किया। कितने आदमी से थे वो लोग? घटना दुर्घटना का कोई गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए इसको मत जोड़िए कि लगातार होती है। प्रशासन उसके बाद कार्रवाई करती है, प्रशासन का काम है कार्रवाई करना और इसमें जो दोषी होंगे इमीडिएट गिरफ्तारी होगी।
लगभग 12-1 बजे के बीच में हुई जो कि वहाँ पे ले जाए गए इलाज के लिए पीएससी से इनको रेफर कर दिया गया डीएमसी और डीएमसी पर भी इलाज। कितने लोग इसमें शामिल थे? चार पांच लोग रहे होंगे जैसा कि हमको सूचना मिला है। उसको भी आया था वहाँ पे थाना प्रभारी भी सब पहुँचा था सिंगवाड़ा पे, लेकिन उनका ताल बटोल टाइप का बात था ऐसा कुछ खुल के वो बोले नहीं। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के माहे सिंघिया में अपने व्यवसाय के क्रम में पैसा लौट कर आ रहे एक व्यक्ति को ट्रक वाले ने कस कर टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार गिर गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन हालत गंभीर होने पर दरभंगा DMCH भेजा गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। रोसड़ा घाट समस्तीपुर रोसड़ा घाट मुन्ना मंडल क्या समस्या दौरी के बिजनेस करके तगादा से लौट रहे थे पिंटू मंडल भाई क्या हुआ तो अगेस्ट का टक्कर मार दिया महेशिया उसका गिर गया उसका वहाँ का आदमी उठा कर भर्ती करवा दी महेशिया में वहाँ से रेफर करा गया दरभंगा। दरभंगा के पटोर थाना क्षेत्र में चंदनपट्टी गांव में अपने मजदूरी की पैसा मांगने गए कुछ लोगों पर अपने ही रिश्तेदार के लोगों ने जमकर मारपीट कर दी जिसके बाद 5 लोग घायल हो गए। कहा जाता है कि मजदूरी मांगने के बाद उन लोगों ने कहा कि पहले काम करो उसके बाद देंगे, इसी बात पर तूतू मोते होते हुए मारपीट हो गई जिसके बाद 5 लोग घायल हो गए। दरभंगा DMCH में भर्ती है जहाँ इलाज चल रहा है। घर का चंदनपट्टी जिला दरभंगा थाना पटोर क्यों मारपीट की गई है? सर हमारे गांव में इदीस नाम का ठेकेदार है, उसको मतलब हमारा भाई होगा मामू का लड़का हुआ हो तो उससे पैसा मांगा कि भाई दो हमारा मजदूरी हमको काम है। तो बोला नहीं पहले तुम मेरा काम करने चलोगे तब हम तुमको पैसा। बोला नहीं भाई आप काम करने जाएंगे आप हमको पैसा दीजिए। तो बोला नहीं हम नहीं देंगे तुमको जो करना है कर लो। तो इतने में वो कहा कि तुम नहीं दोगे तो हो गया ठेला ठेली सर। जब ठेला ठेली में हुआ तो इलिस नाम का ठेकेदार जो पहले फैट चला के दिया तो मैं उसको समझाया कि भाई ऐसा मत करो गलत बात है किसी तरफ फैट नहीं उठा सकते। हम भी उसको सेट करके हटाने लगे ना तो इसका पूरा खानदान मिल करके हमको पीटा है। यहाँ देखिए हमारा कपार यहाँ टूटा हुआ है। दरभंगा में लगातार बिजली के बढ़ोतरी दर को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी आवाज़ उठाती रही है। इसी मौके पर आज दरभंगा के धरना स्थल पर जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में आज घंटों धरना स्थल पर धरना देते हुए कहा गया कि नीतीश कुमार बड़ी चतुराई से पूरे बिहार में बिजली का दर 40% तक बढ़ा चुके हैं जिससे आम जनता काफ़ी पीड़ित है। इस बिजली के बढ़े दर को कम करने के उद्देश्य से आज प्रदर्शन किया गया कि संपूर्ण देश में बिजली की व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी है लेकिन वहीं पे हमारे प्रदेश में जो प्रति यूनिट दर है उस दर को आप देखिए तो आपको यह एहसास होगा कि नीतीश कुमार अपनी चतुराई से बिहार की आवाम को कैसे रुपए का थपेड़ा मार रहे हैं। हम आज के इस माध्यम धरने के माध्यम से संपूर्ण बिहार में हर जिला मुख्यालय पर एक शानदार धरने का आयोजन है और हम लोग ये मांग करते हैं बिहार सरकार से कि आप अगर निश्चित रूप से बिहार की आवाम के प्रति आप संवेदनशील हैं, आपने समाधान यात्रा में संपूर्ण बिहार में घूमने का काम किया, आपने एहसास किया होगा कि जहां त्रिपुरा में असम में दिल्ली में अन्य प्रदेशों में जो प्रति यूनिट दर है और उससे दुगुना और तिगुना बिहार में आवाम से पैसा लिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार बिजली की बढ़ोतरी पे हम लोग ने आज धरना कर रहे हैं और जिस तरह से 40% जो बिजली बढ़ोतरी सरकार नीति सरकार कर रहे हैं इसका हम लोग खिलाफ हैं और जिस तरह से मजदूरी इस बीच में कुचले जा रहे हैं गरीब मजदूर को कुचले जा रहे हैं इसका हम लोग खिलाफ हैं और संघर्ष करने हमारी जारी रहे।
दरभंगा DMCH हर वर्ष अपने स्थापना दिवस मनाता है। इस वर्ष 98वें स्थापना दिवस को लेकर के देश और विदेश से बड़े डॉक्टर पहुंचे थे जो दरभंगा DMCH में अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। इसे लेकर के दरभंगा DMCH के प्राचार्य अधीक्षक के साथ सभी HOD ने आज इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग किया गया। इसके बाद देश और विदेश से आए हुए डॉक्टरों को सम्मानित करते हुए उन लोगों को सम्मानपूर्वक मंच पर बिठाया गया, फिर उनके अनुभवों को बांटने का प्रयास किया गया। गौरतलब है इस कार्यक्रम में सभी डॉक्टर अपने अपने अनुभव को बांटते हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय एकीकरण शिविर जो दिनांक 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक शिविर आयोजित की जाएगी, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय की 5 सदस्यीय टीम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इस शिविर में शामिल होने वाले दल को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में कुलपति ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को शुभकामना देते हुए कहा कि आप शिविर में मिथिला विश्वविद्यालय के नाम को रोशन करेंगे एवं सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवकों के रूप में पुरस्कार हासिल करने न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि पूरे प्रांत का नाम रोशन करेंगे। मौके पर मौजूद कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में बेहतर प्रदर्शन के साथ साथ शिविर के नियमों को अच्छी तरह से पालन करने की सलाह दी। उन्होंने स्वयंसेवकों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि एक सच्चा स्वयंसेवक अनुशासन प्रिय, कर्मठ, ऊर्जावान और अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम के गेट के बाहर एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यह मोटरसाइकिल एक कोचिंग संचालक की है, जिसकी गाड़ी का नंबर BR07AF9438 बताया जा रहा है, जो लाल कलर की अपाचे है। इसको लेकर कोचिंग संचालक के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया गया, जहां पुलिस ने आवेदन तो ले लिया, जिसके बाद जांच में जुट गई है कि आखिर मामले की सच्चाई कितनी है। वहीं इस बारे में कोचिंग संचालक ने पूरी जानकारी देते हुए कहा कि हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए विश्वविद्यालय आए थे। कुछ देर के बाद ही जैसे ही हम नागेंद्र झा स्टेडियम के पास पहुंचे तो वहां पर मोटरसाइकिल नहीं थी, क्योंकि वहीं पर हम अपनी मोटरसाइकिल लगाकर विश्वविद्यालय परिसर में गए हुए थे। मामला ये है कि मतलब हम विश्वविद्यालय में माइग्रेशन निकालने के लिए आए हुए थे, मतलब मिथिला यूनिवर्सिटी से, और मिथिला यूनिवर्सिटी मतलब नागेंद्र झा स्टेडियम के सामने में हम अपना बाइक को पार्क किए थे। फिर मतलब यूनिवर्सिटी कुछ कागज निकाल के जब बाहर आए, जहाँ पर हम बाइक लगाए हुए थे वहाँ पर मेरा बाइक नहीं पाया गया, तो इसके दौरान हम विश्वविद्यालय थाना में एप्लीकेशन दर्ज कराने के लिए कल भी आए थे और आज भी आए हुए हैं। अच्छा, आवेदन ले लिया गया? जी, आवेदन ले लिया गया है। क्या नंबर था गाड़ी का? मतलब BR07AF9438 है, रेड कलर का अपाची गाड़ी था। हम मतलब भटियारी सराय में अपना कोचिंग भी चलाते हैं, अशोक कुमार, अशोक केमिस्ट्री के नाम से। यहाँ माइग्रेशन निकालने आए थे? जी, यहाँ पर माइग्रेशन निकालने के लिए आए थे। कितना देर छोड़े थे गाड़ी? मतलब यहाँ पर गाड़ी 12:45 में लगाए हुए थे, और उधर से 1:05 में आए तो गाड़ी मतलब नहीं देखा गया। गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पिछले दिनों राजस्थान के जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदेश सचिव नजरे आलम के अध्यक्षता में नाका नंबर 5 से लेकर दरभंगा टावर तक पैदल प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च को MIM नेता अजमतुल्ला अबू सईद ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनवा रही है। शक हैं या जितने भी ये आतंकी संगठन बनाए हुए हैं, इसको केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सीधा सीधा आरोप है। हरियाणा के भिवानी से मामला होता है, राजस्थान के दो निवासी हैं, दोनों सरकार दोषी है। गहलोत सरकार भी उतनी ही दोषी है जितना केंद्र सरकार दोषी है। गहलोत सरकार की पुलिस अगर ईमानदारी बरतती तो दोनों नौजवान की हत्या नहीं होती, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये जो जितनी भी पार्टियां हैं जो एक षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनवा रही है, ता करके
ताकि ये दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर भारत में रहें। हम इसका कंडेम करने के लिए आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं और ये मांग करते हैं कि जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उसको फांसी तक पहुंचाया जाए। तो यही तो मेरा साफ साफ कहना है कि इतनी हिम्मत ये आतंकी संगठनों को कहाँ से आता है। रेपिस्टों को माला पहनाया जाता है, हत्यारे को सम्मानित किया जाता है और फिर उसके समर्थन में धर्म संसद बुलाया जाता है। तो हम देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार किसी एक समुदाय एक जात के लिए होता है? भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ कानून से देश चलता है, यहाँ सभी समुदाय को बराबरी के साथ रहने का अधिकार है। अगर देश का संविधान बचाना है, आईन को बचाना है। दरभंगा के केवची थाना क्षेत्र के हाजीपुर और पाराडीह के बीच सड़क दुर्घटना में पंकज राम का निधन हो गया। इसके बाद उसे CHC केवची ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद काफ़ी हंगामा मच गया। कहा जाता है कि लोगों ने वहां सड़क जाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन दुर्घटना में शामिल वाहन को जब्त नहीं किया जा पाया। इसके बाद शव को पुलिस के द्वारा DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव केवची पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही MLA अलीनगर मिश्रीलाल यादव पहुंचे और परिवार को सांत्वना देने में एवं आगे की कार्रवाई करने में लगे रहे। समाज भी हमसे ज्यादा चिंतित हैं, जो हम एक ऐसे दौलत ऐसे बहादुर सिपाही को समाज सेवी को खो दिया है, जिसकी पूर्ति इस समाज को आने वाले भविष्य में भी नहीं होगा। आज हम लोग काफी सदमे में, हमें तो लगा कि इसकी मौत एक्सीडेंट में कैसे हुआ, हम तो इसके पीछे थे। लेकिन जब इनके घर पहुंचा और सारे लोगों से बातचीत किया तो सारे लोगों ने स्वीकारा, श्मशान में भी लोगों ने स्वीकार कर रहा है कि इनकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। और आज मुझे लगता है कि ईश्वर से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसका जो आज देहांत हुआ, इसकी आत्मा को शांति के लिए और